होटल ऑन व्हील्स है, उसको एक बार देखने का बहुत मन है। तो शायद पुणे पहुँच के पहले मैं जाऊँगा, अंदर देखूंगा कैसा है कैसे नहीं। तो ट्रे टेबल यहाँ पे एक्चुअली बेस्ट सीन है, ये देखो, ये है कटलेट और ब्रेड। तो अभी हो रहा है 3:56, मैं हूँ अभी मुंबई में। तो आपने जो व्लॉग देखा अभी दिल्ली मुंबई वाला, वो मैंने यहाँ ख़त्म किया। अब मैं जा रहा हूँ पुणे डेक्कन क्वीन में। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम, बहुत पुरानी भी है। गूगल कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी हिस्ट्री गूगल कर सकते हो। तो ये है चेयर कार जो आप देख रहे हो ना, 1, 2, 3 सारे चेयर कार हैं। एंड ये भाई, ये नए कोच कितने कितने गजब लग रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज पैंट्री कार, आई थिंक सो, DC इज पैंट्री कार। देखो पूरी पूरी दुकानें करने लगी अंदर भाई, एक नंबर सीन्स पे। देखो ये पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है गाइस अंदर। आऊँगा, इधर आऊँगा मैं। देखो पूरे बैठने का बना हुआ है यार। दिस इज़ फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया भाई जिसमें पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट दिया हुआ है अंदर। तो मेरा है EV1 जो कि काफ़ी आगे है, आई थिंक लास्ट में होगा मेरा कोच। तो मुझे अगर यहाँ पे आना है तो पूरा मुझे टाप के आना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरा कोच सबसे लास्ट में है, EV1, जो कि आई थिंक होगा विस्टाडोम। रेस्टोरेंट कार सबसे उस साइड है, काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा अगर मुझे जाना है तो। रेस्टोरेंट कार कनेक्टेड होगा अगर बीच में तो यस मैं जा सकता हूँ, बट अगर कनेक्टेड नहीं हुआ तो शायद मैं ना जा पाऊँ। बस एक कनेक्टेड तो नहीं है ये 100%। अब रेस्टोरेंट कार कैसे जाऊंगा मुझे नहीं पता, बट ये कनेक्टेड नहीं है 100%। तो ये है कोच EV1, ठीक है, बट इसमें AC चालू नहीं है अभी तक, हर कोई गर्मी में बैठा है इधर। मेरा है 16 विंडो, ये है 16। अंदर में बैठ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, AC चालू नहीं हुआ है फॉर सम रीज़न, बट इंटीरियर इसका मानना पड़ेगा एक्सेलेंट इंटीरियर है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक तो जगह दी हुई है, मतलब अगर कुछ भी ग्लास वगैरह आप कैरी कर रहे हो, जैसे बॉटल है फॉर एग्जांपल, ये बॉटल नहीं, चाय वगैरह अगर आप रख रहे हो अपने साथ तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैगजीन होल्डर वगैरह दिया हुआ है। अलावा ये क्या है ये, अच्छा ओके, हाँ ऑफ कोर्स समझ गए हो गए आप। पूरा आप ऊपर से भी देख सकते हो, मतलब अगर हम लोनावला से निकल रहे हैं तो सारे पहाड़ों का मजा आप ले सकते हो अंदर बैठे हुए। नॉर्मल विस्टाडोम जैसा ही है ऑफ कोर्स, बट ये नया विस्टाडोम है एंड इसके जो सीट्स वगैरह हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पे आप खुद को पकड़ भी सकते हो बाई चांस, अगर कुछ जर्क वगैरह लगे तो आप इसको भी होल्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है, रिक्लाइन भी हो जाता है, तो आप चाहो तो इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। यहाँ पे है फुटरेस्ट, ये काफ़ी प्रीमियम फुटरेस्ट है। तो लगभग अराउंड 10 मिनट से हम यहाँ से निकल रहे हैं, अंदर AC चालू नहीं है तो अंदर बैठना मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही है। और मुझे एक बार रेस्टोरेंट कार भी देना था जो कि बहुत आगे है, वहाँ पर मैं जा नहीं पाऊँगा। एंड ये ट्रेन चलती है मुंबई से पुणे, जिनको एक दिन का काम होता है मुंबई में, या कई लोग तो जॉब भी करते हैं मुंबई में, वो इससे अप डाउन करते हैं, जस्ट इमेजिन, मतलब सुबह आओ शाम को वापस पुणे। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन फॉर मुंबई पुणे, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाती है ऑफकोर्स। अभी ये पूछना है कि मैं कटलेट लूँगा या ऑमलेट, तो मैंने कटलेट बोला है और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है कैसे नहीं। वो पैसे देख लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्री नहीं है, तो आई थिंक इसको फ्री कर देना चाहिए इन माय ओपिनियन, बिकॉज अगर आप इतनी प्रीमियम ट्रेन बोल रहे हो तो उसको फ्री भी करो, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। सबसे बढ़िया मुझे लगा ये फुटरेस्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो होटल ऑन व्हील्स है उसको एक बार देखने का बहुत मन है, तो शायद पुणे पहुँच के पहले मैं जाऊँगा, अंदर देखूँगा कैसा है कैसे नहीं, ट्राई करेंगे। बट अभी विस्टाडोम से तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, उसका रीज़न ये है कि कनेक्शन नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कनेक्शन नहीं है तो मैं इस पर टिकट नहीं लेता, मैं चेयर कार में ले लेता, इसमें नहीं लेता मैं, फिर कोई सेंस नहीं बनता ना इसमें लेने का यार। बिकॉज मेन तो वही है ना, दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन विथ होटल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, मतलब वो बड़ी बात है। और आई विश कि सब में ऐसा होगा तो मज़ा आएगी यार। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मुंबई, इज एम्प्टी। आई थिंक अगला स्टॉप हमारा कल्याण है, देन लोनावला रुकेंगे। बट भाई यहाँ नज़ारे क्या दिखने वाले हैं, दस कैंटीन भी है कि अगर आप चाहो तो कुछ भी खा सकते हो। एंड वो कॉफ़ी मशीन भी दी है एक्सप्रेसो वाली, जो कि मेरी फेवरेट है टू बी ऑनेस्ट। कॉफ़ी मेकर, बॉटल कूलर, फ्रिज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये विस्टाडोम का अलग से आता है बाय द वे, बाकी कोचेज में आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में मिलेगा। ये देखो यार, एक नंबर सीन है, बेस्ट सीन है, ये देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है ना ये। बट हाँ, सुबह सुबह जब इंजन पीछे लगा होता है ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा सब कुछ। अभी थोड़ा सा ऐसा है ना कि इंजन जो है ढक लेता है सब कुछ, और ये यहाँ से पानी गिर रहा है, बारिश नहीं हो रही है ये मैं सोचना। एंड वी आर स्टिल अराउंड 160-170 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पुणे, अभी काफ़ी दूर है। हालांकि एक्सप्रेस वे से भी आप जा सकते हो, जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है, बट ट्रेन से जाना है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, आप इसमें जा सकते हो। यहाँ बैठने का नहीं है बाय द वे, ये सामान रखने का है, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं ना कि ये बैठने का है, बट नहीं, ये सामान रखने का है कुछ कुछ।
वी आर क्रॉसिंग दादर राइट नाउ. सोचोगे ना भाई ट्रे टेबल किधर है, यहाँ पे तो है ही नहीं. तो ट्रे टेबल यहाँ पे एक्चुअली इसको अपन को ऐसे निकालना है. ये निकल गया ट्रे टेबल, ये अंदर काफ़ी मस्त चीज़ है ये. यहाँ पे भी ठीक था वैसे, ऐसे कोई कुछ ख़राब नहीं था. गाइस टोटल डिस्टेंस अराउंड 192 किलोमीटर्स. वन करेक्शन, एक्चुअली कल्याण स्टॉप है अनबिलीवेबली. नेक्स्ट स्टॉप इज करजत, ठीक है 2 मिनट का. एंड देन लोनावला, शिवाजी नगर और पुणे. शिवाजी नगर आई थिंक पुणे में ही है, तो वहाँ पे स्टॉप होगा हमारा 1 मिनट का. 8:30 बजे तक हम पुणे पहुँचेंगे. सो फार सो अमेजिंग. तो मैंने अभी कटलेट्स वगैरह मंगाए हैं, तो टेस्ट करते हैं भाई खाना कैसा है. तो अभी पीछे बारिश नहीं हो रहा था, यहाँ देखो पूरा बारिश शुरू हो गया. यही है मुंबई, मुंबई की बारिश ऐसी होती है गाइस. हो सकता है पनवेल में धूप हो अभी और यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे भी बारिश हो रही है तो हो सकता है आगे धूप हो, कुछ पता नहीं होता. यही है मुंबई रेंज. डोर्स ऑटोमेटिक है, ये देखो, ये अपनी शक्ल देखो अच्छे से, क्योंकि बहुत लग्जरी है और यहाँ पे भी लाइट्स ऐसी लगी हुई है. क्रॉसिंग कल्याण एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, बट नहीं है यहाँ पे. अब चलते हैं अंदर एंड खाने का वेट करते हैं भाई. स्नैक्स आएंगे, मैंने मंगाया है कटलेट, तो टेस्ट करेंगे. और हवा चल रही है ठंडी, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है बॉस. We are at करजत. वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं उस साइड नहीं खड़ा हुआ और लाइट भी नहीं है. यहाँ से जो है ना मेन चढ़ाई शुरू होगी, लोनावला के पहाड़ है वो यहाँ से शुरू होंगे. तो नज़ारे और अच्छे होने वाले हैं इधर. और बादल तो मतलब ऐसे है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा हाल है. ठीक है. एंड आई थिंक पीछे भी एक इंजन लगेगा फॉर द सपोर्ट, क्योंकि आगे चढ़ाई ज़्यादा है. इसके बाद हमारा अगला स्टॉप है लोनावला एंड सीधा उसके बाद पुणे में आ जाएंगे. मतलब शिवाजी नगर तो पुणे के अंदर ही है. सो फार द जर्नी हैज़ बीन ग्रेट, अभी तक बहुत कंफर्टेबल रही है. और अभी यहाँ मौसम जो है मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है, बोल सकते हो कि ठंडी हवा भी चलती है और गर्मी भी हो जाती है. मतलब अभी देख रहे हो ना, अभी से यहाँ पे पूरा आपको ब्लू आसमान दिख रहा है ना, थोड़ी देर बाद जो है पूरे काले बादल आ जाएंगे, फिर ब्लू आसमान आ जाएगा. मतलब अभी शैटर्ड रेन्स है, अब ये नहीं बोल सकते कि पूरा मानसून आ गया, शैटर्ड रेन्स है. एंड आई थिंक मिड ऑफ जुलाई तक पूरी बारिश आ जाएगी इधर, प्रॉपर रेन होगी. अब मैंने मंगाया था अपना स्नैक, मैंने मंगाया था कटलेट, अब देखते हैं कि वो आता है और कैसा होता है टेस्ट. और आई थिंक पुणे पहुंच के हम जाएंगे भी वहाँ, होटल भी जो का रेस्टोरेंट है वो भी देखेंगे. यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, अब मैं जाता हूँ अंदर. एंड नेक्स्ट स्टॉप इज लोनावला आई थिंक सो. मैंने मंगाया था ये कटलेट, अभी काफ़ी ठंडा हो गया टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल मेरे को लग रही है भूख. देखते हैं. तो जो ब्रेड है ना, इसमें लोग बटर लगा के आए हैं. ब्राउन ब्रेड नहीं है ऑफकोर्स, वाइट ब्रेड ही है, बट इसमें बटर लगी हुई है. एंड इसको मैं टेस्ट करता हूँ. और हाँ एक और चीज़, इतना गर्म नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट किया था काफ़ी गर्म होगा, बट ये गर्म नहीं है. तो इसको मैं ट्राई करता हूँ सबसे पहले. और मेन चीज़ सॉस भी है, तो भाई ये होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके बिना मज़ा नहीं आएगा. इसको ट्राई करता हूँ. ये है बहुत टेस्टी नो डाउट, मतलब ठंडा हो गया है. गर्म होता तो अच्छा होता, बट आई थिंक ये पीछे से लेकर आया ना इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो गया, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और कनेक्टेड नहीं है ये कोच बाकी ट्रेन से, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. ये बेस्ट है, अच्छा वाला है. थैंक यू. तो ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप, ये अलग लेवल कॉम्बिनेशन है. ये मतलब बारिश हो रही है फिलहाल एंड यहाँ ठंडा मौसम है. ठीक है, अभी फिलहाल ठंडी हवा चल रही है, कुछ ह्यूमिडिटी नहीं है. मज़ा आ गया यार, मतलब ऐसे जर्नी करने में ना एक अलग ही मज़ा है.
इट्स 7:28, वी आर इन लोनावला। काफ़ी बढ़िया हिल स्टेशन है, खासकर इस मौसम में तो आप यहाँ आना मिस ही नहीं कर सकते अगर आप मुंबई या पुणे से हो। ठंडा मौसम है इधर, कम से कम होगा 18 डिग्री 19 डिग्री होगा, बिल्कुल गर्मी नहीं है, पसीना सीना कुछ नहीं, और बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं दिखाऊँ ना आपको उस वाले प्लेटफॉर्म में, तो बहुत ज़्यादा रश है इधर फिलहाल। ये देखो भरे पड़े हैं लोग, इधर भी भरे पड़े हैं, उधर भी भरे पड़े हैं, बहुत रश है इधर। ये देखो क्या नज़ारा लग रहा है भाई, अगर यहाँ पर 1 घंटा रुक जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ यार रुक जाए 1 घंटा इधर, मतलब मज़ा ही आ जाएगा इधर रहने पे। और मेन चीज़ क्या है ना, ये देखो ये कोच है ना, ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे गैप दिया हुआ है तो ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए जो आपको मंगवाना है आपको ट्रेन के स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि भाई ये खाना है, तभी आएगा वरना नहीं आएगा। बाकी अगर चेयर कार में ट्रैवल करते हो तो जब मन करे चले जाओ, वहाँ पर रेस्टोरेंट है, जो खाना है खाओ। कोशिश करूँगा मैं पुणे में कि अगर रेस्टोरेंट दिखा पाऊँ तो। देखो भाई मतलब बादल चलते हुए देख पा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पास में हिल स्टेशन है ऑफकोर्स, तो यहाँ तो बारिश भी ज़बरदस्त होती है। फाइनली सिग्नल हो गया, तो ये है शिवाजी नगर, पुणे में ही है एक्चुअली, और यहाँ से 3 किलोमीटर बाद विल रीच पुणे। फाइनली वी हैव रीच्ड पुणे, अब मैं सामान उतारता हूँ आराम से, कोशिश करता हूँ अगर मैं वो साइड जा पाऊँ तो रेस्टोरेंट है उसको देखने जा पाएँ इफ़ पॉसिबल, तो बढ़िया है। तो गाइज ये था एक्चुअली रेस्टोरेंट कार, ये इंडिया का सबसे पहला है, ठीक है, बट अभी बंद हो गया है फिलहाल, तो इसलिए शूट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, कभी इन फ्यूचर मौका मिला तो डेफिनेटली इस पर भी मैं शूट करूँगा, ठीक है, अभी मैं नहीं कर सकता। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना, होटल जाके एंड करता हूँ।